ऐसी असीम शक्ति जो तुम्हारी सोच से परे है बच्चे। कैसे किया? एक तरह की ऊर्जा से। वाओ! ये ऊर्जा क्या है? वो ताकत जो हर जिंदा चीज में निरंतर बहती रहती है। तो आपका कहना है कि अगर मतलब अगर मैं कुंफू सिखाऊं तो मैं इस तरह की मस्त चीजें कर पाऊंगा? नहीं, मेरा कहना है कि अगर तुम सिखाओ तो मैं इस तरह की मस्त चीजें कर पाऊंगा। ऊर्जा पर काबू पाने के लिए खुद पर काबू पाना बहुत जरूरी है। ओगवे एक गुफा में अकेले बैठे रहे 30 साल तक एक ही सवाल पूछते हुए, मैं कौन हूँ, कौन हूं मैं? तुम्हारी बकवास सुने बिना मुझे 5 मिनट मिल जाए तो चमत्कार हो जाएगा। तो क्या मुझे एक गुफा में 30 साल अकेले बैठे रहना होगा? हाँ, लेकिन सिखाने में माहिर बन जाऊँ उसके बाद। सिखाने में? लेकिन मैं आपकी तरह हरगिज नहीं बन सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी तरह बनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ तुम्हारी तरह। मुझे बनाएंगे मेरी तरह? एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत खूब शिफू, ऐसी और उलझाने वाली बातें कीजिए और आप अगले उगवे बन जाएंगे। सॉरी, भ्रम मत मानिए मास्टर उगवे, वो मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। ये कौन सी जगह है? मेरे भाई का खेत। अगर मैं तुम पे पैर रख दूं तो मर जाओगे? जीने मरने की दुनिया, सुना ना तुमने ओगवे? मैं लौट आया। काय लौट आया है। कौन? काय, जनरल काय, चाइना का सबसे महान सेनापति। जेड हत्यारा, दर्द देने वाला। शायद तुम मुझे बदले के दैत्य के नाम से जानते हो, या विधवा बनाने वाला। ठीक है, मैं उगवे के साथ काम करता था। मास्टर उगवे, वो बहुत ही कमाल के योद्धा थे। बहुत सुना है। ठीक है, बस करो, खामोश। उगवे के चेलों को ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। एक बार मैं उनसे निपट लूं उगवे, उसके बाद तुम्हारा नाम याद रखने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा। काय आ रहा है। मैं तैयार हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सिखाने? ओह नो, ये तो ड्रैगन टीचर है। ये कितना हैंडसम है ना। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। वाका! ओ, मुझे मरते दम तक ये मत सिखाना। हे डैड, क्या हाल है? मैं अपने छोटे से शरीर को धोने सुखाने यहाँ आया था। ठीक है, पर बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुम इस तरह से क्यों नहा रहे हो अपने गुड़ियों के साथ? मेरे हीरोज डैड। जो भी हो, साबुन के पानी में खुशबू डालने की जगह है तुम लाल मिर्च डाल रहे हो। अच्छा, लाल मिर्च। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो है। तुम मेरे डैड नहीं हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे सब पता है। अपना हाथ ऊपर करो और बताओ। दरअसल शिफू के मुताबिक मुझे पता ही नहीं है कि ड्रैगन योद्धा होना क्या होता है, और अब मुझे एक टीचर बनना पड़ेगा। मुझे तो लगा था मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, अगर मैं ड्रैगन योद्धा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? क्या टीचर? कुंफू सिखाने वाला? ये तो प्रमोशन है। मेरे खाते रे जॉब ले ले। जब तुम पूरे जेट महल के कर्ता धर्ता बनोगे, मैं आराम से महल में बैठ के नूडल्स बेचूंगा। तुम अभी भी एक बच्चे की तरह यहाँ क्यों नहा रहे हो? बाहर निकलो, उठो, चलो चलो, हमारी तरक्की हमें बुला रही है बच्चे। लेकिन ड्रैगन योद्धा के फैंसी ड्रेस मुकाबले का क्या होगा? वो तो मिसेस चाव ही जीतती हैं। खेल खत्म।
और वो ड्रैगन योद्धा का डंपलिंग खाने वाला मुकाबला मैं किसी और को जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारा डंपलिंग खाने का रिकॉर्ड